हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो हमारा है M30 कंक्रीट में डिज़ाइन। नॉर्मल जो हमारा कंक्रीट रहता है उसमें वाटर सीमेंट एग्रीगेट कोर्स और फाइन सिर्फ इन चीज़ से मिलके बनता है, लेकिन हमने जो एक अलग एक रिसर्च या कुछ रिप्लेसमेंट ट्राई किया है वो हमने ट्राई किया है आयरन नेल्स के साथ, जिससे हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और कुछ एड मिक्सचर्स हमने ऐड किए हैं जो कि एल्कोफाइन है। एल्कोफाइन से क्या होता है कि हमारी सेटिंग टाइम इंक्रीज होती है। अगर नॉर्मल कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 MPa मिली, लेकिन हमें जो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिली वो 22.22 स्ट्रेंथ मिली। इससे ये हमारा एक रिज़ल्ट आता है कि जो हमने रिसर्च या फिर जो भी हमने प्रैक्टिकल्स किया है वो हमारा पास हो चुका है। उसी के बेस पे हमने स्लम कोन टेस्ट किया था। स्लम कोन टेस्ट से करने के बाद हमारा स्लम की जो वैल्यू आई है वो 40 mm है, मतलब स्लम जो आता है हमारा मीडियम वर्क मिट्टी का। और ये जो मशीन है इसे हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन पे इन दो जॉब्स के बीच में हम क्यूब्स को रख के इनकी टेस्टिंग करते हैं। इसका जो भी प्रोसेस है वो जब ये वाला जॉब ऊपर उठता है मतलब कंप्रेस करता है और ये पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर से वर्क करता है। हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब इस पर ऑयल पूरा फ्लो होता है, ऑयल प्रेशर दे रहा है नीचे वाले जॉब को, तो जब ये इस प्रेशर के कारण इस पर डिफ्लेक्शन या फिर क्रैक्स डेवलप होते हैं और फिर उसकी रीडिंग्स हम इन मीटर्स पे देख सकते हैं। इन मीटर का अगर हम देखें डिवीजन तो एक डिवीजन 10 किलो न्यूटन्स का है, दूसरे मीटर पे एक डिवीजन 5 किलो न्यूटन और तीसरे पे एक डिवीजन 2 किलो न्यूटन का है। थैंक यू।